तो बार बार यह सवाल उठ रहा है कि चुनाव आने वाले वक्त में है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी चुनाव है, और मुजफ्फरनगर चुनने की क्या खास वजह यह है कि एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड से सटा हुआ। इसी पर बात करने के मेरे साथ संदीप चौधरी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के। मेरे साथ राहुल लाल जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और जयराम विप्लव जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल राहुल लाल आपसे, क्या कोई इसमें साजिश लगती है आपको? आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को जोड़ा गया? क्योंकि चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले यह महापंचायत कर रहे हो, लोगों को भड़काओ। देखिए अंजीत जी, एक तरह से जो किसान आंदोलन है, ये आंदोलन आप देखिए तो 9.25 महीने हो चुके हैं और इसके मांगों को अब तक जो है कि सरकार की तरफ से गंभीरता से नहीं लिया गया। 22 जनवरी को एक तरह से 11वें राउंड की बातचीत हुई थी और वो जो वार्तालाप टूटी तो फिर कहा गया कि किसान संगठन और सरकार केवल एक फोन कॉल की दूरी पे है, तो वो एक फोन कॉल की दूरी आज तक पट नहीं सकी है। और हम लोग सोचे कि 22 जनवरी से अब हम लोग पहुंच चुके हैं 5 सितंबर के ऊपर, तो ऐसे स्थिति में इन किसान संगठनों के पास कोई और स्थिति बच नहीं रही थी। और मैं तो इसे कहूंगा कि ये किसानों का महाकुंभ है ये एक तरह से, क्योंकि जिस तरह से बड़ी संख्या में 2 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी, वहां पे जिस तरह से उस किसान पूरे देश भर से आए हैं, वहां पे केवल पंजाब हरियाणा और जो कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश के किसान है, जयराम विप्लव जी जानते हैं, वो बिल्कुल जमीन पे रहता है, वो देखने सुनने जयराम विप्लव जवाब दे दीजिए सब, जब सब आप जानते हैं तो खुद बता रहे हैं राहुल लाल कि वो आप जानते हैं और फिर भी आप काम नहीं करना चाहते, किसानों के लिए काम नहीं करना चाहते, आप जवाब दे दीजिए उनको। देखिए मुझे लगता है कि ऐतिहासिक तौर पर बीते 7 वर्षों में किसानों के लिए मोदी सरकार ने जो जो काम किए हैं वो उल्लेखनीय है, देश का किसान उससे खुश है और किसान अपने खेतों में काम कर रहा है। विप्लव जी, कुछ लोग राहुल जी बस सुनना, बीच में मत बोलिए, ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं नहीं बीच में मत बोलिए ना, अरे भैया बीच में मत बोलिए, एक पूरा सवाल और जोड़ लीजिए ना। मैं कह रहा हूँ सवाल करेंगे कि आप सवाल करेंगे, आपसे सवाल करें उसका जवाब दीजिएगा साहब, मुझे अपनी बात रखने दी। यही तो दिक्कत है ना, जिनको अपनी राजनीति करनी है छोड़ दीजिए, हमें आपको देश का एक सामान्य जनता तो हमें मानते हैं कि वो भी नहीं मानते हैं जयराम जी। मैं कह रहा हूँ देखिए, मैं आप बहुत ज्यादा एमएसपी करने की बात करते हैं, किसानों के लिए सब बातें करने की बात करते हैं, तो एमएसपी गारंटी कानून बना दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? आप लोगों का दावा ये होता है कि हम लोग रिकॉर्ड खरीद कर रहे हैं एमएसपी के ऊपर, ये इनका सुन लीजिए, भाषण सुनिए इनका, जवाब बोल रहे थे उन्होंने बीच में नहीं बोला, अब उनको सुन लीजिए एक मिनट, फिर जवाब दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा समय दूंगा जवाब के लिए, बोलिए जयराम विप्लव। जिन लोगों की अपनी राजनीतिक इच्छाएं और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उन लोगों ने किसानों के आंदोलन को हाईजैक करके अब इसको पूर्णतः राजनीतिक बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव तो आने वाले हैं, लेकिन ये वही लोग हैं ना जो बंगाल के चुनाव में भाजपा के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, जिन्होंने टीएमसी के साथ घोषित अघोषित दोनों गठबंधन कर रखे हैं, जो पंजाब में अपनी राजनीति कर रहे हैं, और केवल राजनीति ही नहीं, इसमें तो वो तमाम तत्व घुस गए, जिन कुछ लोगों की अलग देश की मांग है, कुछ लोगों की अलग झंडे की मांग है, कुछ लोग देशद्रोही नारे लगाते हैं, तो तमाम तरह के तत्वों ने किसानों की मांगों को छोड़ करके तमाम तरह के मुद्दे उठाए। ये राजनीतिक आंदोलन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।